वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं मेघा और मैं एकता। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है बिग बॉस की ढेरों सारी गॉसिप्स और अपडेट्स के साथ। तो जानते हैं कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ खास, तो एकता बताइए। तो कल के एपिसोड में पहली बार बिग बॉस के सीजन में बिग बॉस की ट्रॉफी देखी गई जो कि घर में ला के रखी थी। ये आज के पहले किसी भी सीजन में नहीं हुई थी, ये 13वां सीजन में पहली बार हुआ है। इसके बाद फिर घर वाले रस्म से काफ़ी नोकझोंक करते हुए भी नजर आए कि क्योंकि उनकी आदत है चीज सामान चुरा के रखने की, तो उन्होंने खास तौर पर रस्म से कहा कि कृपया करके आप ये ट्रॉफी ना चुरा लें क्योंकि इसके लिए हम सारे घर वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं और बस इसे बख्श दीजिएगा और ट्रॉफी नहीं चुराइएगा। इसके बाद फिर घर में दिखा एक मारुति सुजुकी की नेक्सा इग्निस कार जो कि ऐड के लिए आई थी। कार को देख के घर वाले काफ़ी खुश नजर आए और बोले काफ़ी दिनों बाद हमें कार देखने को मिला और कार की काफ़ी तारीफ भी की कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और सारे घर वाले उसमें एडजस्ट भी हो गए थे। इसके बाद जैसा हमने आपको बताया था कि घर में नजर आएंगे रजत शर्मा जो कि आपकी अदालत के लिए आ रहे हैं, जो कि घर में आते सहित घर वालों से काफ़ी तीखे सवाल भी करेंगे। तो जानते हैं एकता से क्या थे वो तीखे सवाल और उन्होंने किन किन से क्या क्या सवाल पूछे, तो बताइए। तो सबसे पहले कट घर में आई थी रश्मि देसाई जिन पर दो आरोप लगा था। पहला आरोप था डरपोक का, दूसरा आरोप था कन्फ्यूज्ड का। तो डरपोक का आरोप इसलिए लगा था क्योंकि रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि आपको कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट चाहिए होता, आप इंडिविजुअल गेम में नहीं खेल रही हैं। जब अरहान थे तो आप अरहान के साथ खेलती थी, जैसे ही अरहान घर से बाहर गया आप आशिम का साथ ले ली थी। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंडिविजुअल खेल सकती हूँ। और साथ ही रजत शर्मा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आप जितने भी मतलब झगड़े होते हैं आप उसमें स्टैंड नहीं लेती हैं, आप बैकफुट पर ही खेलती हैं। तो रश्मि ने साफ क्लियर कर दिया कि जब मेरा मुद्दा आता है तो मैं उसमें स्टैंड लेती हूँ, अगर मेरे टॉपिक पे बात नहीं होता है तो मैं फालतू के झगड़े में घुसना पसंद नहीं करती हूँ। इसके बाद फिर रजत शर्मा ने उनके आपसी मामले, अरहान और रश्मि के जो रिश्ते को लेकर बवाल हुआ था उसके बारे में भी पूछा और उन्होंने कुछ फुटेज भी दिखाए थे जिसमें सलमान खान रश्मि को बता रहे हैं कि अरहान की पहले से शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। तो रजत शर्मा ने यही पूछा कि जब सलमान ने आपको बताया था तो आपने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है और कुछ समय बाद ही आपने अरहान को प्रपोज कर दिया और आपने ये भी बताया कि मुझे शादी के बारे में पता था, बच्चे के बारे में नहीं पता था और आपने बाद में बोला मुझे दोनों के बारे में पता था। तो आप कहीं ना कहीं ये गेम खेल रही हैं कि मुझे नेशनल टेलीविजन पे खुद को अच्छा पोर्ट्रे करना है, तो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी है आपका? तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरी और मैं सच में इस मामले में नहीं जानती थी, अरहान ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर रजत शर्मा ने उन्होंने उनका अब का स्टेटस पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं घर से बाहर जाकर अरहान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसके बाद फिर रजत शर्मा ने अपने कटघरे में बुलाया पारस छाबड़ा, यानी आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा को। तो जानते हैं उनसे क्या तीखे सवाल पूछे रजत शर्मा। तो पारस छाबड़ा पे सबसे पहले जो आरोप लगा था वो था कि मैदान छोड़ के भागना। ये इसलिए था क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है आकांक्षा पुरी, वो उनको नेशनल टेलीविजन पे इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में जनता भी जानना चाहती कि पारस ये क्या गेम खेल रहे हैं। तो इसी के मामले में रजत शर्मा ने पूछा उनसे कि क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है आप उनका इस तरह से नेशनल टेलीविजन पे इंसल्ट करें, ये कितना हद तक सही है। तो इस पे पारस ने जवाब दिया कि मैं भी उसकी कदर करता हूँ लेकिन वो जिस तरह से मेरा बाहर इंसल्ट करे, मुझे नहीं पता कि वो बाहर क्या कर रही है क्या नहीं, बट मुझे जो सुनने में आ रहा है वो बिल्कुल भी गलत है क्योंकि वो मेरे चीज सामान भिजवा रही है वो सही है, लेकिन मैंने उसे बोला नहीं था कि तुम मेरे लिए जूते भिजवा कपड़े भिजवा, इसके लिए मैंने अपने फैशन डिजाइनर जो उसको साफ पैसे दे के आए थे कि तुम मेरे लिए चीज सामान भिजवाओगे, लेकिन अगर वो भिजवा रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात मीडिया तक कैसे आई? तुम चीज सामान भिजवा रही इसका मतलब तुम मेरे पे जता रही हो, तो मुझे वो नहीं चाहिए। इसके बाद पारस पे एक और इल्ज़ाम लगा था उनकी छोटी सोच को लेके कि जब सिफाली जरीवाला आसिम के साथ बैठी थी, थोड़ा क्लोज आके बैठी थी, तो आपने साफ टोक दिया था कि ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरी भाभी, मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगता। तो वही रजत शर्मा ने बोला कि वही चीज़ जब आप माहिरा के साथ करते, उसे गले लगाते, किस करते, तो क्या ये सही है और वो जो करे वो सही नहीं है? तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया बिल्कुल सही नहीं क्योंकि वो शादीशुदा है। तो रजत शर्मा ने साफ बोला कि ये आपकी बहुत ही छोटी सोच है और अपनी सोच बदलिए। और कहीं ना कहीं पारस ने भी इस बात को माना कि हाँ मेरी छोटी सोच हो सकती है, मैं अभी उतना ओपन माइंडेड नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये गलत लगा है, लेकिन मैं ये बात को बोलूँगा। तो इससे पारस की काफ़ी छोटी सोच देखने को मिली है। इसके बाद फिर कटघर में और दो कंटेस्टेंट आए थे जिन पर काफ़ी तीखे सवाल हुए थे। तो कौन थे वो दो कंटेस्टेंट? जो सबसे पहले कंटेस्टेंट थे वो आसिम, उन पर दो आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप कि वो काफ़ी अग्रेसिव है और दूसरा कि वो रिश्तों में आग लगाते हैं। अग्रेसिव इसलिए क्योंकि सभी जानते हैं
कि वो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, हर किसी से भिड़ने लगते हैं और रिश्तों में आग लगाना है क्योंकि वो हर किसी के रिश्ते में जा जा करके उसके पीछे बातें करते हैं। तो इस बात को रजत शर्मा ने उनसे पूछा, कुछ क्लिप्स भी दिखाए, क्लिप्स में वो उन्होंने कुछ क्लिप्स भी दिखाए जिसमें वे पहले पारा से झगड़ा करते नजर आ रहे, फिर सिद्धार्थ से झगड़ा करते नजर आ रहे। और रिश्तों में आग लगाने वाली बात की जाए तो उसके क्लिप्स दिखाए कि पहले उन्होंने स्टार्टिंग के जब एक महीने में सिद्धार्थ को वो समझा रहे थे कि शहनाज से दूरी बरकरार रखो क्योंकि वो कभी पारस कभी तुम पे लपक रही है, और दूसरा कि जब रश्मि और अरहान और दूसरा जब रश्मि और अरहान की बात हो रही थी जो कि हिमांशी ने आके बता दिया था, उस बात को भी लेकर के कि अब रिश्तों में आग लगा रहे हैं, वो हिमांशी को सपोर्ट कर रहे थे ना कि रश्मि को। और साथ ही बाद में वो विशाल से शहनाज के बारे में भी बात कर रहे थे कि वो अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहे, तो हम उसे एज अ प्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आसिम रियाज ने काफी अच्छे से भी जस्टिफाई किया। इसके बाद आसिम रियाज ने एक बहुत बड़ी बात कह दी शहनाज को लेकर के। उन्होंने बताया कि जब वो स्टार्ट में आए थे तो पारस छाबड़ा ने उन्हें ये चीज़ बताई थी कि शहनाज के मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें ये हिदायत दी थी कि जब तुम घर में जाओ तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ तुम अपना रिलेशन चलाना। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी बड़ा नाम है और इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुका है, और अगर तुम उनके साथ देखोगे तो तुम भी काफ़ी पॉपुलर हो जाओगे। तो इस बात को शहनाज ने बिल्कुल नकारा, बोला उन्होंने सिद्धार्थ का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कोई ट्रू लव तुम्हें मिल जाता है घर में तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो था आसिम के साथ लगे आरोप। इसके बाद फिर कटघरे में नजर आया सिद्धार्थ शुक्ला, जिन पर आरोप ये था कि वो काफ़ी एरोगेंट भी है और वो दूसरों को बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। उन्होंने बताया इस चीज़ को कि हाँ मैं काफ़ी एरोगेंट हूँ लेकिन मैं बात बात पे एरोगेंट नहीं होता हूँ आसिम की तरह, मैं अगर कोई मुद्दा हो रहा है तो मतलब उस पर गुस्सा हो जाता हूँ, ऐसा मुद्दा है तो। फिर अजय शर्मा ने ये भी कहा कि आपने ये भी आरोप है कि अगर कोई आपकी बात मान रहा है तब तक वो सही है, लेकिन जहां उसने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, आपकी बात नहीं मान रहा तो आपके लिए गलत हो जाता है और आप उसे पूरी तरह से बिट्रे कर देते हैं। तो इस बात को लेकर के भी सिद्धार्थ ने खुद को क्लैरिफाई किया कि नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद उन पर ये सब आरोप लगाए गए और उन्होंने खुद को क्लेरिफाई भी किया। उसके साथ ही उनके और रश्मि के रिश्ते यानी कि दिल से दिल तक के रिश्ते में जो गर्मी और नरमी आती है, इस बात को रजत शर्मा ने भी पूछा कि क्या आप लोग का रिश्ता है हमें समझ में नहीं आता, कभी आप गुस्सा हो जाते हैं कभी आप उनसे अच्छे से बात करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा जो वो हमेशा बोलते आए हैं कि अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करेगा तो मैं अच्छे से बात करूँगा, अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं उससे ज़्यादा बदतमीजी करूँगा। तो ये था इन चारों के साथ हुआ आपकी अदालत का टास्क। तो इसी के साथ ये सवालों का सिलसिला अभी और आगे जारी रहेगा जो कि कटघरे में आने वाली है शहनाज, माहिरा और आरती, तो इन तीनों पे भी काफ़ी तीखे सवाल होने वाले हैं। इसके साथ ही बिग बॉस में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने को मिल रहा है, वो है घर में देखने को मिला भूत का साया। तो क्या है ये भूत वाला मामला? तो आपको बता दें क्या ये मामला कि प्रीके में ऐसा दिखाया गया है कि बिग बॉस के घर में अचानक से रात में जब सभी घर वाले सोने जाते हैं तो कुछ भूतिया आवाज़ें आने लगती हैं, और वो आवाज़ें आ रही होती है बाथरूम एरिया से, तो सभी घर वाले उठ के बाथरूम की तरफ जाते हैं तो आवाज़ें और ज़्यादा आने लगती हैं, जिससे सभी घर वाले काफ़ी डर जाते हैं और सबसे ज़्यादा आरती और शहनाज डर जाती है। उसके बाद माहिरा और शहनाज पारस और सिद्धार्थ को बोलती है कि तुम उधर साइड मत जाओ, और उसी वक्त बाथरूम एरिया में एक डॉल भी देखने को मिलती है जो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। इसके साथ ही कैप्टनसी रूम में एक आदमी भी देखने को मिलता है जो कि खड़ा रहता है और एक ही बार गिर जाता है, तो इसके कारण सभी घर वाले काफ़ी डर चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या होता। और उसी वक्त कन्फेशन रूम में बैठे होते हैं विक्की कौशल जो कि अपनी फिल्म भूत के प्रमोशन के लिए आए होते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं यानी कि वो सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं मिडनाइट इवेक्शन के लिए भी आए, यानी कि प्रमोशन के साथ साथ वो किसी घर वाले को यानी जो नॉमिनेटेड है उनको अपने साथ लेके जाएंगे। तो आप हमें अपनी राय बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन होगा नॉमिनेट, आरती, शहनाज या माहिरा। ऐसे बिग बॉस की और भी खबरों के लिए जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।